नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने अगाउना वीडियो में आज कम्प्यूटर ने जो कार्यों तेना इनपुट मेना बे साधनों कीबोर्ड और माउस पची प्रोसेसिंग सीपीयू और आउटपुट मेना साधनों जो आपेला है मॉनिटर और प्रिंटर तेरे जुं तो आज आप प्रेक्टिकली शीखवा इनपुट मेना बे साधनों कया कया कीबोर्ड और माउस याद रखो इनपुट मेना बे साधनों कया कया है तो एक है कीबोर्ड और त्यारबाद है माउस। अँ आप जोए इनपुट मेना साधनों तो सौ पेला कम्प्यूटर में डेटा दाखल करव हो ए कीबोर्ड और माउस उपयोग थे। जो कम्प्यूटर में कोईपण प्रकार डेटा दाखल करव होना उपयोग थे तो कीबोर्ड और माउस उपयोग थाय शू कहमें तो इनपुट मेना साधनों कहमें। सौ पेला जे कीबोर्ड आपेलू है तेने आप आज प्रेक्टिकली जोए। जो सौ पेला जे आ कीबोर्ड तो कीबोर्ड ए प्लास्टिक एक सपाट लंबचोरस एक बोर्ड है तना पर घना बदा बटन हो जो तमने आ बदा जो बटन देखाय बदा बटन ने शू कहमें तो की कहवाये। आ बदा जो बटन आपेला होने शू कहवाये की कहवाये। कीबोर्ड पर 100 करता पण वधारे की आपेली होय छे। जो तमने आ जे की आपेली छे ए केटली की होय छे तो 100 करता पण वधारे की होय छे। जेवी रीते लेटर की हवे एटले ए बी सी डी जे आवे छे टूंक में ए टू करी अने जेड सुधीनी जेटली पण जे की होय छे जो तमने आ देखाय छे क्यू डब्ल्यू ई आर जे आ बधी आपेली छे एने शू कहेवाय छे तो लेटर की। त्यारबाद छे नंबर की तो आ 1 2 3 4 माटेनी जे की होय छे एने शू कहेवाय छे नंबर की। त्यारबाद छे गणितनी संज्ञाओ। हवे गणितनी संज्ञाओ में क्या आवे प्लस नी निशानी आवे माइनस नी निशानी आवे त्यारबाद आ जे कौंस आवे तेने शू कहेवाय छे गणितनी संज्ञाओ माटेनी की छे। पछी विराम चिन्हो जेवी रीते के आ जे डॉट आपेलू छे पछी डबल डॉट होय पछी अल्प विराम होय तो आ बधाने शू कहेवाय छे विराम चिन्हो। अने केटलीक विशिष्ट निशानी माटेनी की एटले कि आ जे हेज आपेलू छे पछी टकावारीनी जे निशानी ने जे आपेली होय ए बधी शू छे केटलीक विशिष्ट निशानी की होय छे। कीबोर्ड द्वारा दाखल करायेला डेटाने आपणे मॉनिटर पर जोई शकीए छीए। जो अत्यारे आपणे जे कोईपण जे की दबाव्यो तो आपणे सेना द्वारा जोई शकीशुं अहींया कीबोर्ड द्वारा आपणे मॉनिटर पर तेने जोई शकीशुं। ज्यारे तमे कीबोर्ड पर लेटर की के नंबर की दाबो छो त्यारे ते स्क्रीन पर कोई चोक्कस जग्यानो ए देखाय छे। एक वायर द्वारा कीबोर्ड छे सीपीयू साथे जोडायेलू होय छे। हवे आ जे कीबोर्ड होय सेना द्वारा जोडायेलू होय छे आ जे वायर द्वारा एक सीपीयू बॉक्स साथे जोडायेलू होय छे। तो आ हतुं कीबोर्ड। हवे आपणे जोईशुं माउस। तो माउस शुं छे तो एक माउस छे एक नानुं प्लास्टिकनुं साधन छे तेना उपर बे के त्रण बटन आवेला होय छे। जो अहींया एक अने आ रीते बे अने वच्चेनी जे रिंग होय छे एवी रीते तेना उपर बे के त्रण बटन आवेला होय छे अने तेने माउस पेड पर राखीने सरकाववामां आवे छे। हवे माउस ने नीचे जे राखवामां आवे छे एने शुं कहेवाय छे तो माउस पेड। एटले के माउस ने माउस पेड उपर राखीने आवी रीते सरकाववामां आवे छे। स्क्रीन पर कोई चोक्कस जग्यानो निर्देश करवा माटे माउस नो उपयोग थाय छे। जो अत्यारे आपणे जोई शकीए छीए आ मॉनिटर पर। हवे आपणे कई जग्याए छीए जो तमने आजे देखाय छे आने आ एराने शुं कहेवाय छे माउस पॉइंटर। तो आपणे अत्यारे कई जग्याए छीए तेनो निर्देश करवा माटे सेनो उपयोग थाय छे तो आ माउस नो उपयोग थाय छे। त्यारबाद आपणे जोईशुं के माउस ने केवी रीते पकड़वुं। तो जो माउस उपर तमारी जमणी हथेळी ए रीते पकड़वानी के तमारी पहेली आंगळी अने डाबा बटन उपर आवे अने बीजी आंगळी जमणा बटन उपर आवे। एटले के जुओ तमने आवी रीते ट्राय करवानी। जो घरे कम्प्यूटर होय तो आपणी जे आज जमणी हथेळी देखाय छे आपणे केवी रीते माउस उपर पकड़वानी। तो सौथी पहेला तो जो जे आपणी पहेली आंगळी छे ते आवी रीते डाबा बटन उपर आवी जोईए अने बाकीनी जे आंगळी छे एटले बीजी आंगळी त्रीजी आपणे आवी रीते डाबा बटन जमणा बटन उपर आवी जोईए। एटले आवी रीते आपणने माउस पकड़वानुं छे अने आवी रीते आपणे माउसने सरकावी शकीए छीए। जेवी रीते आपणे अहींया माउसने सरकावशुं एवी रीते अहींया जे आपणे मॉनिटर उपर जे आ माઉસ જે એરો દેખાય છે તમને જો એ પણ આપણે ઉપર નીચે કે ડાબે જમણે ફરતો દેખાશે। એટલે ટૂંકમાં તમને આવી રીતે તમને માઉસને પકડવાનું છે। પછી જો આપણે આવી રીતે ક્લિક કરી શકીએ માઉસને આને શું કર્યું કહેવાય જ્યારે એકવાર ક્લિક કરીએ ત્યારે ક્લિક કરવું કહેવાય અને જ્યારે આપણે બે વાર ક્લિક કરીએ ત્યારે એને ડબલ ક્લિક કરવું કહેવાય છે। એટલે આપણે ક્લિક અને ક્લિકિંગ કરતાં પણ આપણે શીખવું જોઈએ। ત્યારબાદ છે આ જે સીપીયુ આપેલું છે તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। તે પહેલાં આપણે આજે જે શીખ્યા તેનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ। સૌથી પહેલાં જે આવે છે ઇનપુટ માટેના જે સાધનો આવે છે કયા કયા આવે છે તો સૌથી પહેલાં આવે છે કીબોર્ડ અને પછી આવે છે માઉસ। તો કીબોર્ડમાં શું હોય છે ઘણી બધી જે કી હોય છે જેવી રીતે લેટર કી હોય છે નંબર કી ગણિતની સંજ્ઞાઓ માટેની કી વિરામચિહ્નો માટેની કી અને જે કેટલીક વિશિષ્ટ કી હોય છે। ત્યારબાદ આ છે માઉસ। તો માઉસને શેની નીચે રાખવામાં આવે છે માઉસ પેડ ઉપર રાખીને તેને સરકાવવામાં આવે છે અને માઉસ શું છે તો એક નિર્દેશ કરવા માટેનું એક સાધન છે। પછી માઉસને કેવી રીતે પકડવું તો આપણી જે જમણી હથેળી હોય તે આપણે જે
એની જે પહેલી આંગળી છે તે આપણે ડાબા બટન ઉપર મૂકવાની અને જે બીજીની જે બે આંગળી છે તે આપણે જમણા બટન ઉપર મૂકવાની અને અંગૂઠા અને બાકીની જે આંગળીઓ વડે આપણે ડાબા બટનનો જ વધારે આપણે ઉપયોગ કરવાનો અને ત્યારબાદ આવે છે ક્લિક કરવું એટલે કે આપણે એને એકવાર ક્લિક કરીએ અને શું કહેવાય છે ક્લિકિંગ કરવું જ્યારે બે વાર આપણે ક્લિક કરીએ એને શું કહેવાય છે તો ડબલ ક્લિક કરવું ત્યારબાદ જે આવે છે સીપીયુ તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.